गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा मनाली टूर का सेकेंड डे है और मैं जस्ट अभी सो करके उठी हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को मेरे बालकनी से मॉर्निंग व्यू दिखाती हूँ कि यहाँ का व्यू कैसा है। तो ये मेरी बालकनी है और हम लोग मॉर्निंग व्यू देखने के लिए बाहर जा रहे हैं। ये देखिए मेरे बैक का व्यू, बैक ग्राउंड में ये पूरा वैली है और ये सारे जो पीछे आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे घर, ये सारे होटल्स हैं। ये देखिए, चलिए मैं आपको सामने की स्क्रीन से दिखाती हूँ कि यहाँ से व्यू कैसा है। यहाँ पे पास में दो वाटरफॉल भी हैं, छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं जो मुझे अभी यहाँ पे बालकनी से दिख रहे हैं। और रात भर हम लोग जब सो रहे थे तो यहाँ पे इन दो छोटे वाटरफॉल्स की साउंड आ रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। डे वन में मनाली का जो टेम्परेचर था बहुत कम था, तो बहुत ज़्यादा ठंड थी यहाँ पर। मतलब हम लोगों ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा ठंड होगी, और हम लोग अपने गर्म कपड़े भी लेकर नहीं आए थे। तो ठंड इतनी ज़्यादा थी कि हमें यहाँ पे कल मॉल रोड से गर्म कपड़े खरीदने पड़े। और आज भी ठंड अच्छी है, कल की अपेक्षा कम है ठंड, बट आज भी बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको सामने की स्क्रीन से दिखाती हूँ कि कैसा व्यू है यहाँ का, मॉर्निंग व्यू। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी ठंड है, बट व्यू बहुत अच्छा है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जो वाटरफॉल की बात मैं कर रही थी, यहाँ पे आपको वाटरफॉल दिखेगा। ये देखिए, छोटा सा वाटरफॉल है और थोड़ी से आगे में यहाँ पर भी एक वाटरफॉल है। ये देखिए, ये वाटरफॉल छोटा सा, ये पहला वाटरफॉल, ये दूसरा वाटरफॉल। बहुत ही सुंदर व्यू है। और देखिए, माउंटेन के टॉप पर देखिए आप, यहाँ पर बर्फ जमे हुए हैं। देखिए पूरा वाइट दिख रहा होगा आपको, इतनी ठंड है यहाँ पर अभी कि ऊपर के जो बर्फ़ है वो पूरी जम गई है। आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पे अभी हमें गर्म कपड़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये देखिए, यहाँ से रोड है और यहाँ से गाड़ियाँ आना जाना कर रही हैं। तो चलिए अब धूप भी आने लगी है। देखिए यहाँ पर धूप भी आने लगी है। अब हम लोग जाते हैं अंदर और रेडी होते हैं आज के डे टू के लिए। सो आज सेकेंड डे के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं। कॉल आ रहा कैब वाले का। आज हम लोगों को सोलांग, सिसु और अटल टनल कवर करना है। तो अब हम लोग नीचे जा रहे हैं होटल से, और नीचे जाके हम लोग सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा कैब वाले भैया ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, और कैब में बैठ के फिर हम लोग जाएंगे सोलांग वैली, अटल टनल और सिसु। सिसु इज़ अ प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, बट देखते हैं आज का वेदर, तो धूप आई हुई है, वहाँ पर स्नोफॉल हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा हमें नहीं मालूम। सो इट्स अ काइंड ऑफ सरप्राइज़ फॉर अस कि वहाँ पर क्या है हमारे लिए आज। सो लेट अस गो एंड हैव ब्रेकफास्ट फर्स्ट, उसके बाद हम लोग तुरंत निकलेंगे आज के डे टू के ये 3 स्पॉट्स को कवर करने के लिए। बने रहिए मेरे साथ। चलिए देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। हमें रूम जो है 3rd फ्लोर में मिला हुआ है, रूम नंबर 302। और देखिए बाहर का सीन, धूप है आज। ये देखिए माउंटेन्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू।
देखिए कैब हमारी वेट कर रही है। सो दिस इज द डाइनिंग एरिया। यहाँ से व्यू देखिए आप लोग। We are having our breakfast and look at the view. I'm just waiting for my husband to come and then I'll start my breakfast. He's there taking breakfast. Having our breakfast and now we will proceed
फॉर आवर डेस्टिनेशन टुडे. सो दिस इज होटल फायरा वेयर वी हैव चेक्ड इन एंड आवर कैब ड्राइवर इज ऑलरेडी वेटिंग. एंड मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाती हूँ. अभी बहुत सुंदर व्यू है. देखिए पूरा स्नो है ऊपर. ये देखिए यहाँ पूरा स्नो है ऊपर. दिस इज होटल फायरा वेयर वी हैड चेक्ड इन. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द कैब बिकॉज द कैब वाला भैया इज वेटिंग ऊपर. यू कैन सी इट्स वेरी स्लोपी ओवर हियर. आज तो ठंड थोड़ी कम है. कैप ईयर बैंड है. सॉरी गाइज देर इज अ चेंज इन प्लान. अटल टनल वाला प्लेस जो है वो अभी बंद है. ट्रैफिक जाम है तो हम लोग सोलांग वैली वाला आज ट्रिप कैंसिल करके हम लोगों ने प्लान चेंज किया है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू कुल्लू बिकॉज वहाँ पे एक्टिविटीज़ होगी रिवर राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग एंड ऑल. तो हम लोग वापस से होटल आए हैं अभी और अब हम लोग जा रहे हैं अपने लिए कपड़े रखने को बिकॉज रिवर राफ्टिंग में कपड़े चेंज करने पड़ेंगे. तो हमारे कैब वाले भैया ने बोला है कि मैम आप एक स्पेयर ड्रेस रख लीजिए लोअर और टी शर्ट जैसा कुछ रिवर राफ्टिंग में कपड़े गीले हो जाते हैं. तो अभी हम लोग होटल वापस से आए हैं और कपड़े लेके अब कुल्लू की तरफ निकलेंगे. स्टे ट्यून्ड.
सो गाइज़, हम लोगों ने अभी अपने लिए कपड़े पैक कर लिए हैं। अब हम लोग होटल से निकल चुके हैं। देखिए, ये है होटल फायरा। दोनों होटल फायरा ही हैं जो सामने आपको दिख रहे हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं कुल्लू की तरफ। कैब वाले भैया हैं, हम लोग बैठते हैं। अब देखिए नज़ारा यहाँ का, कुल्लू की तरफ अपन निकलने वाले हैं बस। और अब बैठ जाते हैं गाड़ी पे, फिर चलते हैं कुल्लू की तरफ जहाँ पे हमारी एक्टिविटीज़ हमारा वेट कर रही है। आज बहुत मज़ा आने वाला है गाइज इस ब्लॉग में, क्योंकि हम लोग पैराग्लाइडिंग भी करेंगे और रिवर राफ्टिंग भी करने वाले हैं। ये मेरी बकेट लिस्ट में बहुत पहले से था गाइज। और कुल्लू एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। तो मेरे बकेट लिस्ट का दो 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 मेरी विश हैं, वो आज मैं पूरी करने वाली हूँ। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। और इस ब्लॉग में आप लोगों को दोनों एक्टिविटीज़ के बारे में दिखेगा। पहला आपका होगा पैराग्लाइडिंग और दूसरा होगा रिवर राफ्टिंग। देखते हैं हमारा रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस आज कैसा होता है गाइज। बता दूं, हम लोग अभी कुल्लू की तरफ जा रहे हैं। और कुल्लू के लिए जाने के लिए क्या होता है कि मनाली से आपको सीधे सीधे जाना होता है पहाड़ों के नीचे की ओर। कुल्लू नीचे की तरफ में सिचुएटेड है, जहाँ से हम लोगों को अभी पैराग्लाइडिंग पॉइंट पे पहुँचना है। और पैराग्लाइडिंग पॉइंट नीचे स्टार्ट होता है सब। कुल्लू मतलब पहाड़ के नीचे जाने के बाद वहाँ पर एक प्लेस आएगा जहाँ पे पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन का ऑफिस है। वहाँ पर आपको बहुत सारे बोल सकते हैं जो पैराग्लाइडिंग कराने वाले ग्लाइडर्स हैं, वो लोग मिलेंगे। वहाँ से आपको फिर वो पैराग्लाइडिंग कराने के लिए लेकर के जाते हैं पहाड़ों के ऊपर। और वहाँ पे 4x4 की गाड़ियाँ चलती है गाइस, जहाँ से हम लोगों को पैराग्लाइडिंग की बातें कर लेने के बाद, रेट फिक्स कर लेने के बाद, जो ग्लाइडर्स हैं वो आपको अपनी गाड़ियों में बैठा के ले जाएंगे पहाड़ों के ऊपर। और एक ऐसा पॉइंट आएगा पहाड़ के ऊपर जहाँ से पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होती है, मतलब पैराग्लाइडिंग वहाँ से कराई जाती है। उस पॉइंट पे पहुँचने के बाद वो आपको क्या कराएंगे, पैराग्लाइडिंग का कॉस्ट्यूम पहनाएंगे। और उसके बाद वो आप लोगों को वहाँ से एक असिस्टेंट के साथ, जो आपको पैराग्लाइडिंग कराएंगे, उसके साथ में वहाँ से पैराग्लाइडिंग के लिए छोड़ देंगे। ओके गाइस, सो पैराग्लाइडिंग बेसिकली 10 to 15 मिनट्स के लिए होता है। और उसका प्राइस जो है डिफ़र करता है गाइस। हम लोगों ने पर पर्सन, क्योंकि हम कपल्स थे तो हमने पर पर्सन 2600 में अपनी बात फाइनल करी थी। उन्होंने 3500 हमको कहा था, पर 3500 में हमने बताया कि हम ऑलरेडी रिसर्च करके आए हैं, हमारे लिए बहुत महंगा है 3500, हम 3500 में नहीं करेंगे। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे करके, मतलब हमने बात करी तो वो 2800 बोल रहे थे। बट 2800 में हमने फिर भी बोला कि नहीं, हमारे लिए बहुत महंगा है। फिर हमने बोला कि हम कपल में करेंगे, तो उन्होंने फिर हमारे लिए 2600 पर पर्सन के हिसाब से पैराग्लाइडिंग फाइनल किया। तो गाइस देखिए, हम लोग अभी थोड़ी देर में बस पैराग्लाइडिंग पॉइंट पहुंचने वाले हैं, जहां से फिर वो हम लोगों को पैराग्लाइडिंग के लिए लेकर के जाएंगे पहाड़ों के ऊपर। तो बने रहिए गाइस इस व्लॉग में, और आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि मनाली में आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर जो आप देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। तो इस व्लॉग के एंड तक बने रहिए और आप लोग भी मेरे साथ इन्जॉय करिए।
कितने लोग हैं? दो लोग हैं। फैशन बना था बहुत हार्ड मास, ठीक है। अगर आप बाई चांस उसमें होल भी कर दो बड़ा था तो भी वो सेफ लैंडिंग लेके जाएगा आपको। और दूसरा अगर दो तीन लाइन एक साथ कट भी जाए, टूट भी जाए तो भी सेफ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता ही नहीं एक्चुअल में, ये बहुत एक्चुअल में ही खुद से बड़ा बहुत हार्ड मास बनाया होता है। और स्टार्ट करते हम लोग वहाँ से ऊपर टॉप से, सामने वाली माउंटेन देखो, उसके टॉप पर देखो जहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, उससे आगे देखो थोड़ी सी खाली जगह है, बस वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और फिर पूरी वैली घूमते हुए और जहाँ पे अभी हैं आप, यहाँ से भी करीबन 500 फीट और नीचे जाएगा रिवर साइड पे। टोटल कितना किलोमीटर है आप बता रहे थे? मैम यहाँ से रहेगा आपका 14 किलोमीटर ऊपर, ऊपर यहाँ से करीबन 14 किलोमीटर ऊपर रहेगा। और उसमें भी जो गाड़ी रहेगी हमारी 4x4 वो इंक्लूड रहेगी इसमें, आपको खाली पैराग्लाइडिंग का। सो गाइज, हमारी बात 2600 रुपये में फ़ाइनल होने के बाद अभी उन्होंने हमें अपनी जीप में बिठाया 4x4 के, और वो हमें अभी ले जा रहे हैं 14 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों में जहाँ से पैराग्लाइडिंग पॉइंट शुरू होता है। तो देखिए धीरे धीरे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं और पैराग्लाइडिंग पॉइंट पे हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स दिख रहे हैं जहाँ पे पैराग्लाइडिंग का बोर्ड लगा हुआ है, बट मेन जो इनका पॉइंट है पैराग्लाइडिंग का वो कुल्लू में पहुँचने के बाद सबसे नीचे ही है फ्लैट एरिया में। वहाँ पर आप अपना बुकिंग करने के बाद, पैराग्लाइडिंग बुकिंग करने के बाद ऊपर जाएंगे इनके साथ, इनकी जीप में बैठ करके, 4x4 वाली जीप में बैठ करके, जिसके पीछे वो पैराग्लाइडिंग का किट भी रखते हैं अपनी डिक्की में, और सामने की तरफ वो पैसेंजर को बिठाते हैं जो भी पैराग्लाइडिंग करने के लिए वहाँ पर आते हैं। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग ऊपर पहुँच चुके हैं। देखिए आप लोग दिख रहा होगा 14 किलोमीटर ऊपर आना है पहाड़ों में, उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर से आपको पूरा पहाड़ नीचे पूरा क्लियर दिखेगा, वहाँ से हमारी पैराग्लाइडिंग शुरू होती है। वहाँ पे वो हमको किट पहनाते हैं पैराग्लाइडिंग का, उसके बाद पैराग्लाइडिंग वहाँ से एक असिस्टेंट के साथ में चालू करवाई जाती है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि ये मेरा फर्स्ट पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस होने वाला था। चलिए आप भी मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ आज मेरी फर्स्ट पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस का मजा। सारा वीडियो देखो तो आपके में बनाओ तो वीडियो। जब जाना तो बोली निकला चलो ब्रो, आ जाओ आप आ जाओ। पहले ये जा रहे हैं तो वीडियो कैसे बनेगा? नो नो से हो गया फर्स्ट टाइम करें। हाँ अरे वही करा, वीडियो बनाना आपको, वीडियो कॉस्ट 5 मिनट जाएगी। आप उधर जाओ, हाई फाइव वाइट टी शर्ट। हेलो कम, दीदी आप कर रहे हो कि करवा रहे हो? खाली वीडियो को 5 मिनट कर रहे हो? Oh, 500. No. I'm asking, you are paragliding or you are helping someone? No, I was doing. Okay. How was your experience? Not it done. I'm going to five. Again, another neck in there. 800. Hello, I'm going to go. Madam, you are going to go. डिस्काउंट के साथ है। वीडियो करा लो। वीडियो 5 मिनट एक्स्ट्रा। ओके सर, वीडियो ओके वीडियो प्लस फोटो। हां मैडम 1 मिनट, उनका वीडियो चालू था।
लॉक्स नहीं टच करने कोई, ठीक है मैम? लॉक्स टच नहीं करना? हाँ, कोई भी। आएंगे इधर? अरे नहीं ना वो मामा तेरे बैग में तो ना अब जीप था ना तेरे बैग में इतने बड़े बैग में बहुत आल पार रखनी है तेरे तेरे ग्लाइड कार कार में ना वो ना थी यार नहीं मामा बीच जीप में बाबा हेलो मैम ठोक पाल नहीं नहीं खुल पाएगा ना गोइलू गोइलू भैया वीडियो क्वालिटी कैसी होगी? अच्छी होगी। गोले सो गाइज नाउ आई एम गोइंग फॉर पैराग्लाइडिंग एंड आई एम एट कुल्लू नाउ एंड लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर फ्रॉम द टॉप ऑफ द हील्स आई एम ऑल रेडी सेट विथ माई कॉस्ट्यूम फॉर पैराग्लाइडिंग सो देखिए गाइज मेरे पहले एक दीदी जो है वो पैराग्लाइडिंग करने के लिए जा रही हैं आप लोग इनको देखिए उन्होंने यहाँ पे दीदी को बोला कि आपको ना तो बैठना है ना तो जंप करना है और वो अभी वेट कर रहे हैं कि हवा किस साइड से आ रही है हवा का फ्लो कैसा है तो हवा का फ्लो देखने के लिए ये वेट कर रहे हैं अभी जैसी हवा तेज़ होगी फिर ये पैराग्लाइडिंग के लिए रनिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग देखिए आगे वीडियो चलो खुला पाल है चलो भाई सही रुका कम रेकड़ो इस शोल्डर के ऊपर चले जाएंगे ठीक है भैया पूरे सातों पॉइंट्स का आप कवर कराएंगे जो हिल्स नीचे भैया बोले थे सेवन हिल्स पूरा लेके जाते हैं ठीक है होंगे कुछ दो ग्रांड वाले ओके क्रॉस हुई क्रॉस हुई स्ट्रांग है क्रॉस खाली आसमान
ज्यादा स्टेबल हो गया तब खींचे छोड़ना फिर ग्लाइड बस्टर दादी फोन कर मतलब प्लस होने लगा सब बिल है थोड़ा स्ट्रांग है राइट उठा ना लेफ्ट हाथ से देख लो बोले है पीछे क्या बोला था
चलो चलो जाओ मैडम। लैंडिंग स्पॉट है ना ये, अब बनाए अपना वीडियो अच्छे से, बोले हो कुछ कि नहीं बोले? कुछ नहीं बोला मैं तो। अरे यार बस आ गया, गया और आया। कैसा था आपका एक्सपीरियंस पैराग्लाइडिंग का? अच्छा लगा। यहीं पर लैंडिंग होती है पैराग्लाइडिंग करने के बाद, यहाँ पे यहाँ पर पैराशूट को लेके आते हैं, और यहाँ पे ग्राउंड बहुत प्लेन सा है, फ्लैट ग्राउंड है, तो यहीं पर लैंडिंग कराई जाती है। हम दोनों ने अभी पैराग्लाइडिंग कर लिया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और अब हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ वापस से, क्योंकि अब हम लोगों को जाना है अपने कैब के पास में। कैब वाले भैया हमारा वेट कर रहे हैं। क्यों बिछा के रखे हैं सर? तो ये देखिए ये गाड़ी है, और इसी गाड़ी में हम लोग आए थे, और ऐसी ही गाड़ी में हमें वापस भी जाना है यहाँ से स्पॉट पे जहाँ पे हमारी कैब वेट कर रही है। चलो अंदर। ये गाड़ी है जिसमें हम लोग आए थे, अब हम लोग वापस जा रहे हैं। हाँ सर आ जाओ ये यहाँ। बाय बाय डोबी।